बिफोर स्टार्ट प्रॉफिट एंड लॉस कुछ चीजें मैं बताना चाहता हूँ जो चीज बहुत ही जरूरी है। जैसे देखो लाभ क्या होता है, लाभ होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लेकिन हम विक्रय मूल्य को हमेशा डायरेक्ट हम लिखेंगे एसपी, एसपी फॉर सेलिंग प्राइस, सीपी फॉर कॉस्ट प्राइस। मतलब कि क्रय मूल्य को मैं सीपी लिखूंगा और विक्रय मूल्य को एसपी लिखूंगा। हानि क्या मतलब क्या, लॉस, लॉस मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस या क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। सिंपल सा चीज है यार, फंडा क्या है, अगर लाभ और हानि किसी को सभी को पता ही होता है, प्रॉफिट मतलब लाभ परसेंट क्या होता है, लाभ ये याद रखना, लाभ परसेंट हो या हानि परसेंट हो, नीचे जो क्या होता है वो सीपी से डिवाइड होता है, मतलब क्रय मूल्य से डिवाइड होता है। ये इंपॉर्टेंट है, लाभ है तो लाभ डिवाइडेड बाय सीपी इन 200 ये। और देखो सीपी अगर एसपी गिवेन हो, सीपी निकालना है तो ये फार्मूला यूज कर लो, अगर सीपी गिवेन है तो एसपी निकालने के लिए फार्मूला यूज करो। वैसे फार्मूला की जरूरत नहीं पड़ती है मैक्सिमम टाइम, कभी कभी शॉर्टेज टाइम में यूज कर लेते हैं, अदरवाइज हम यूज नहीं करते हैं। उसी तरह डिस्काउंट, डिस्काउंट मतलब क्या, बट्टा, बट्टा क्या होता है, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस इसको बोलते हैं हिंदी में। जैसे अब तुम देखते हो ना किसी चीज पे, देखो तुमको किसी चीज जाते हो सामान खरीदने तो वहां पे लिखा होता है इतना रुपए, बट उसको मिलता है मानो 100 रुपए का लिखा हुआ है उसकी प्राइस और मिलता है तुम्हें 80 रुपए, तो जो 100 रुपए लिखा हुआ है उसपे वो होता है तुम्हारा अंकित मूल्य, डेट इज मार्क प्राइस। डिस्काउंट परसेंट क्या होता है, वही डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट डिवाइडेड बाई अंकित मूल्य। अब डिस्काउंट परसेंट में यहाँ पे अंकित मूल्य होता है, ये चीज याद रख लेना वो। और बट ये लाभ और हानि का है परसेंट तो क्रय मूल्य होता है। एसपी क्या हो जाएगा, उस केस में मार्क प्राइस दिया हो तो एमपी मार्क प्राइस, एमपी फॉर अंकित मूल्य, ये वाला अंकित मूल्य इंटू 100 माइनस डी डिवाइडेड बाई 100। और एक और बेस्ट रिजल्ट, ये जो रिजल्ट है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कि अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का रेशियो जो होता है ऊपर 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 100 माइनस डिस्काउंट का परसेंट। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब हम देर नहीं करते, अपने क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर वन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर वन कह रहा है कि 630 रुपए में 12.5 12.5 के लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो 12.5% 12.5%। अब देखो अगर तुमको ये नहीं पता कि 12.5% किसके इक्वल होगा तो आप क्वेश्चंस को बनाने में बहुत प्रॉब्लम करेंगे। 1/8 क्या होता है, 12.5। ठीक है, अब कैसे होता है, जैसे देखो सिंपल सा चीज ये बताओ, अगर तुमको 1/4 पता है ना कि 1/4 कितना होता है 25%, अगर इसका हाफ करोगे, इसी का हाफ तो 12.5 है ना, 12.5 इसी का हाफ है, तो ये इसका भी हाफ कर लो, इधर हाफ किए तो इधर भी हाफ कर लो, तो 1/8 हो गया ना। इसका भी हाफ करोगे, हाफ करोगे तो 1/8 हो जाएगा, जब इसका ये हाफ है तो 1/8। तो ये अगर चीजें मैं बता रहा हूं बट ऐसे जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि देखो 1/4 क्या है 25% है, तो 1/8 ऑलरेडी होगा कि 12.5% होगा 12.5%। ठीक है, या इसको बोल सकते हैं 12 से ही 1/2%, दोनों केस में बोला जाता है 12.5% या 12 से ही 1/2%। ठीक है, तो अब ये देखो 1/8 हो गया। अब ये बताओ नीचे वाला, देखो क्वेश्चन कह रहा है कि 630 रुपए में 12% के लाभ पर बेची गई वस्तु, ये बताओ ये सीपी हो गया और बेची लाभ, लाभ पर क्या ऊपर वाला क्या हो जाएगा प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब कि ये लाभ हो गया और ये क्या हो गया तुम्हारा क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, अब ये बताओ सिंपल सा चीज, हमें चाहिए क्या 630 रुपए में बेची, इतना पर बेची गई वस्तु, यानी कि देखो अगर हमने खरीदा कोई सामान 8 रुपए, उस पर लाभ कमाया हमने 1 रुपया, यानी उसको बेचा कितने में, 9 रुपए में बेचा, यानी कि एसपी जो सेलिंग विक्रय मूल्य हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 9 रुपए में, तभी तो हम 8 रुपए की चीज को 1 रुपए में लाभ कमा रहे हैं, तो 9 रुपए में बेचेंगे तभी तो लाभ कमाएंगे। तो अभी बताओ 9 पार्ट की वैल्यू कितनी दी हुई है, यहाँ पे देखो 630 दी हुई है, 630, तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी हो गई 70। ठीक है, 9 7 63 70, अगर 1 पार्ट की वैल्यू 70 है तो हमें उस क्या रहा है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 8 पार्ट, 8 पार्ट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 × 70, यानी तुम्हारा कितना हो जाएगा 560 आरएस, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी कह रहा है कि 1470 रुपए में इतना परसेंट के लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। सेम क्वेश्चन है, 6/2/3% को कितना लिखोगे। अब जैसे देखो इसको तुमको डायरेक्ट लिखना आना चाहिए कि 1/6 होता है, कैसे, जैसे देखो अगर 1/3 की बात करें कितना होता है 37.5% होता है, इसका हाफ है ना 16.5%, यही तो है हाफ, तो इधर भी हाफ कर लेंगे 1/6 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/6। अब ये बताओ नीचे कितना हो गया सीपी यानी क्रय मूल्य हो गया, ऊपर कितना हो गया प्रॉफिट हो गया, तो एसपी पता चल जाएगा ना, विक्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य
सिंपल सा चीज, 6 रुपए की चीज खरीदी, 1 रुपए के लाभ पर बेचा, यानी कि कितने पे बेचा, 7 रुपए में बेचा। 7 पार्ट की वैल्यू कितनी दी हुई है, यहाँ पे दी हुई है 1470, तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, 1 पार्ट की वैल्यू कटा लो 7 × 14, 7 × 210। अब हमसे पूछ क्या रहा है कि क्रय मूल्य ज्ञात करो, क्रय मूल्य यानी कि 6 पार्ट, ये 6 है ना, 6 पार्ट, 6 पार्ट की वैल्यू क्या होगी, 6 × 2110, 21 × 6 6 × 6 = 12, यानी कि 1260 रुपए में वो चीजें खरीदी गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्वेश्चन वैसे ही सेम ही है, बट थोड़ा सा यहाँ पे देखो चेंजिंग क्या है। एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर इतना रुपए का लाभ पर बेचता है, विक्रय मूल्य पर, यहाँ पे देखो विक्रय मूल्य पर, ठीक है, यहाँ मेन चीज यहाँ पे विक्रय मूल्य पर, तो विक्रय मूल्य पर देखो 16.5%, अब देखो 16.5% अभी मैंने बताया था तुमको क्या होता है, 16.5% 1/6 कितना होता है, 6 होता है। अब देखो 1/6 होगा, ये बताओ विक्रय मूल्य पर बेचा गया, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, तुम्हारा विक्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है, और लाभ कमा रहा है, ऊपर क्या हो जाएगा, लाभ। अब ये बताओ विक्रय मूल्य बेचा 6 रुपए में, लाभ कमाया 1 रुपया का, ठीक है, तो खरीदा कितने में होगा, 5 रुपए का खरीदा होगा, तभी तो 6 रुपए में बेचेगा तो 1 रुपया लाभ करना आएगा, यानी कि तुम्हारा क्रय मूल्य कितना हो गया, क्रय मूल्य तुम्हारा हो गया 5 रुपए, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है तुम्हारा कि लाभ परसेंट, लाभ पता है ना, लाभ कितना है 1, और परसेंट देखो लाभ परसेंट तुम्हारा कितना होता है, लाभ परसेंट होता है तुम्हारा लाभ बटा में क्रय मूल्य CP × 100। तो लाभ पता है, लाभ 1, क्रय मूल्य कितना है, वो हमेशा 1/5 है, तो 5 × 100 यानी तुम्हारा कितना 20% का लाभ हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आसानी से तुम बना सकते हो, सभी क्वेश्चन से स्टार्टिंग के इजी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर इतना परसेंट का लाभ, अब देखो 8 सही 1/3% है, ठीक है, 8 सही 1/3% का मतलब क्या, 1/12। अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही तो देखो तुम सिंपल सा चीज ये बताओ, देखो अभी मैंने तुमको बोला था कि 1/6 तुम्हारा कितना 16 सही 2/3%, अब इसका हाफ करोगे, हाफ कितना होगा, 8 सही 1/3, तो इधर भी हाफ कर लो, यानी कि 1/ कितना हो जाएगा, 12 हाफ करोगे तो, ठीक है। तो इस तरह से तुम आसानी से कर सकते हो 1/12 तो हो गया, ठीक है। लेकिन अब देखो कह रहा है कि विक्रय मूल्य पर, यानी नीचे वाला क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया, ऊपर वाला कितना, लाभ कमा रहा है, यानी कि ऊपर वाला क्या है, लाभ, ठीक है। तो अब ये बताओ क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य ये हो जाएगा कि 12 रुपए में बेचा 1 रुपए का लाभ कमाया, यानी कि खरीदा कितने में होगा, 11 रुपए में, तभी तो 12 रुपए में बेचेगा तो 1 रुपए का लाभ होगा। अब ये बताओ तुमको लाभ परसेंट निकालना है, तो लाभ कितना है, एक लाभ, लाभ 1 है, और क्रय मूल्य कितना है, 11 × 100। अब 1/11 तुमको पता होना चाहिए, 1/11% कितना होता है, ठीक है। देखो अगर किसी को प्रॉब्लम है ना 1/11 कितना होता है, तो मैं तुमको बता देता हूँ, इसका भी 9 सही, देखो ये होता है 9 सही, अगर नहीं समझ में आता तो 100/11% लिख लो ना, इसको लिख लोगे 9 सही 1/ कितना हो जाएगा, 11%, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर, 11 × 99। इस तरह से भी कर सकते हो अगर नहीं भी पता है तो, ठीक है। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक आदमी किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 25% हानि पर बेचता है। देखो विक्रय मूल्य पर 25% हानि, अब देखो 25% का मतलब क्या है, 1/4, 25% होता ना, ये विक्रय मूल्य पर, यानी ये विक्रय मूल्य है, और क्या है इधर क्या है, हानि है। अब ये बताओ हानि कब होगी, जब क्रय मूल्य ज्यादा हो, अगर हानि 1 रुपए की है 4 रुपए बेचने में, यानी 5 रुपया खरीदा हुआ तभी तो 4 रुपया का बेचेगा तो 1 रुपया का हानि होगी। अब हानि परसेंट, हानि परसेंट का मतलब क्या, हानि कितनी की है, 1 की हुई है, कितने पे, 5 रुपए क्रय मूल्य पे हमेशा होती है 100, यानी कितना 20% की हानि हो गई, 20% की हानि होगी, ये तुम्हारा हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है कि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य को मैं क्या लिखता हूँ, CP = 14 वस्तुओं का किसके इक्वल, 14 वस्तुओं के किसके, विक्रय मूल्य के, यानी कि SP। अब ये बताओ यहां से कर लो 2 × 8 = 16, 7 × 2 = 14, ठीक है, तो CP/SP क्या हो जाएगा, CP/SP तुम्हारा कितना हो जाएगा, तुम्हारा 7/8, CP/SP तुम्हारा 7/8 हो गया, ठीक है। अब ये बताओ लाभ कितना, खरीदा 7 रुपए में बेचा 8 रुपए में, लाभ कितना हो गया, लाभ हो गया तुम्हारा, लाभ हो गया 1 रुपया का लाभ हो गया। अब ये बताओ तुमसे पूछ रहा है लाभ परसेंट, अब लाभ होगा तो लाभ परसेंट निकालेंगे, लाभ परसेंट क्या होगा, लाभ परसेंट 1/ कितने में, CP हमेशा देखो लाभ परसेंट हो या हानि परसेंट हो, डिवाइड जब हमेशा लिखेंगे, यहाँ पे क्रय मूल्य लिखते हैं, ठीक है, तो CP कितना है तुम्हारा 7 × ठीक है
हंड्रेड से मल्टीप्लाई करते हैं, ये तुम्हारा लाभ परसेंट हो जाएगा 1/7। अब तुमको ये भी नहीं पता होगा तो देखो मैं एक चीज बताता हूँ, 1/7 तुम्हारा होता है 14.27%, ठीक है, 14.27% होता है, ठीक है, 28% होता है, या इसी को और लिख सकते हो 14 से ही 2/7% लिख सकते हो, ठीक है, या डायरेक्ट इस तरह कर लो ना 100/7 यानी कि 14/98 200/7% इस तरह से भी लिख सकते हो, किसी भी तरह से, या तो परसेंटेज पड़े तो डायरेक्ट 1/7 तुम्हारा ये होता है, ठीक है। और इसके भी लॉजिक मैं तुमको समझा देता हूँ, अगर आ गए तो देखो कैसे याद करते हैं, सात है ना तो 14, ऐसे सात का पड़ा पढ़ लो, 7 × 14, ठीक है, अब 14 पढ़ तो लिए, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे 14 का उल्टा पढ़ लो कितना हो गया 28। अगर मानो तुमसे 2/7 पूछा ना, तो देखो 2/7 पूछा तो ऐसे कर देना, 2/7 का तो 14 × 28, 28 का डबल कर लो 56, ठीक है। 3/7 कहा ना, देखो इसके भी रूल्स होते हैं, देखो 3/7 का तो 14 का पड़ा कर लो, ठीक है, 14 × 3 कितना हो गया 42, और 42 का पड़ा डबल कर लो 84, इतना 1/7 इतना परसेंट होता है, इतना परसेंट, इतना परसेंट, ये जब मैं परसेंटेज कराऊंगा तो वहां पे भी आपको ये चीजें समझाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2750 वस्तुओं का क्रय मूल 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल के बराबर है, 2750 वस्तुओं का क्रय मूल, क्रय मूल को सीपी लिख रहा हूं, 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल, विक्रय मूल को सेलिंग प्राइस लिख रहा हूं एसपी, ठीक है। मैं क्रय मूल सीपी का मतलब क्या होता है, क्रय मूल, मैं हर जगह सीपी लिखूंगा, ठीक है, एसपी का मतलब क्या होता है विक्रय मूल, तो मैं विक्रय मूल ना लिख के मैं क्या लिखूंगा एसपी का लिखूंगा, ठीक है। लाभ के जगह पे मैं क्या लिखूंगा हर जगह पी लिखूंगा, हानि के जगह पे क्या लिखूंगा मैं हानि के जगह पे एल लिखूंगा लॉस, ठीक है। फिर उसके जगह पे मैं अंकित मूल, अंकित मूल्य के जगह पे मैं क्या लिखूंगा, अंकित मूल्य के जगह पे मैं लिखूंगा तुमको मार्क प्राइस एमपी लिखूंगा, ठीक है। और मैं लिखूंगा डिस्काउंट के जगह पे क्या लिखूंगा, डिस्काउंट के जगह पे मैं सिंबल दूंगा डी, ठीक है। तो अब ये बताओ, अब इसको कैंसिल कर लूं, ये कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 25 से करूं कैंसिल तो 25 दहा में 100 और 25 में इसको करूं तो 25 से कहीं 25, ठीक है, 25 से कहीं 25 और ये कितना रह गया तुम्हारा 25 यानी कि 11, ठीक है। तो CP/SP कितना हो जाएगा, CP/SP 10/11। अब ये बताओ हानि होगी कि खरीदा 10 रुपए में बेचा 11 रुपए में, तो लाभ होगा 1 रुपए का, प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट कितने का, 1 रुपए का हुआ, प्रॉफिट 1 रुपए का हो गया तो हमें पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट निकाल लें, प्रॉफिट या हानि परसेंट, प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंट, 1 पे कितना 10 रुपए का 1/10 × 100 यानी कितना तुम्हारा 10% का क्या होगा प्रॉफिट होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एसएससी एग्जाम्स का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर क्या करा है, 12 वस्तुओं का क्रय मूल 9 वस्तुओं के विक्रय मूल के बराबर है, ठीक है, 12 वस्तुओं का क्रय मूल 9 वस्तुओं के विक्रय मूल के बराबर है, ठीक है। तो अब ये बताओ CP/SP क्या हो जाएगा तुम्हारा, CP/SP तुम्हारा हो जाएगा 3 से कटा लू, 3 × 9 × 3 = 12 यानी कितना हो गया 3/4। यहां तक समझ में आ गया, अब क्वेश्चन आगे देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन आगे ये कह रहा है, अब ये बताओ क्वेश्चन आगे कह रहा है कि जबकि 10 वस्तुओं पर बट्टा 5 वस्तुओं के लाभ के बराबर हो, 10 वस्तुओं का बट्टा, बट्टा को मैंने क्या बोला है डिस्काउंट, डिस्काउंट का मतलब डी, 5 वस्तुओं के लाभ के बराबर पी, ठीक है। तो ये बताओ 5 × 10 यानी तुम्हारा क्या हो गया D/P तुम्हारा कितना हो गया, D/P तुम्हारा 1/2 हो गया। अब देखो क्वेश्चन कर आगे बढ़ो, तो क्वेश्चन कर रहा है कि लाभ परसेंट और बट्टा परसेंट में अंतर ज्ञात करो। देखो यहां से ये बताओ लाभ कितने का हुआ 1% का, प्रॉफिट कितने का हुआ 1% का, ठीक है, तो अरे सॉरी प्रॉफिट 1 रुपए का हुआ ना यहाँ पे, ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट हम निकाल लेंगे, प्रॉफिट परसेंट 1, क्रय मूल सीपी कितना है तुम्हारा 3 × 100 यानी 1/3 यानी कि 33.33%। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मैं बता देता हूँ 1/3 कितना होता है 33.33% 33.33% होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये तुम्हारा हो गया। अब इधर देखो, अब हमें चाहिए परसेंटेज तो पता गया, परसेंटेज लाभ परसेंट तो पता चल गया, प्रॉफिट परसेंट, बट्टा परसेंट कैसे निकालेंगे। अब सिंपल सा चीज देखो, हमारे पास सीपी है, या सीपी मतलब क्या क्रय मूल, हमारे पास क्या है विक्रय मूल, विक्रय मूल को क्या बोलते हैं एसपी, ठीक है। अब तीसरा क्या आ जाता है तुम्हारा, देखो तीसरा आता है डिस्काउंट, डिस्काउंट किस पे होता है अंकित मूल्य पे होता है, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य जिसको बोलते हैं मार्क प्राइस। अब ये बताओ यहां से क्रय मूल कितना है 3, विक्रय मूल कितना है तुम्हारा 4, ठीक है, क्रय मूल
विक्रमुख कितना 4। अब ये बताओ लाभ दोनों के बीच कितना है, 1 रुपए का। लेकिन यहां पे देखो, यहां पे लाभ कितने का है, 2 रुपए का, ठीक है। यहां पे लाभ 2 रुपए का है। अब ये बताओ सिंपल सा चीज, ये बताओ, यहां तक तो क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मैं अकॉर्डिंग टू, मेरे अकॉर्डिंग डाउट नहीं होना चाहिए। ये बताओ जब भी देखो विक्रय मूल्य पे हमेशा अंकित मूल्य निकाली जाएगी, ठीक है। तो ये बताओ, अब ये बताओ, एक देखो 2 रुपए लाभ 1 रुपए का है, अगर प्रॉफिट 2 रुपए का तो डिस्काउंट कितने का है, हाफ का। अगर प्रॉफिट 1 रुपए, देखो प्रॉफिट 2 रुपए का है तो डिस्काउंट कितने का है, प्रॉफिट 2 रुपए का है तो डिस्काउंट है हाफ, मतलब 1 रुपए का। अगर प्रॉफिट 1 रुपया, यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो गया 1 रुपया, तो डिस्काउंट कितने का होगा इसका, अगर ये हाफ हो गया तो इधर भी हाफ, क्लियर है बात, 1/2 का। अब ये बताओ तो डिस्काउंट कितने का मिला, 1/ सॉरी तो डिस्काउंट कितने का मिला, 1 डिस्काउंट मिला तुमको 1/2 यानी कि 0.5। अगर ये 0.5 है तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 4.5। अब हम डिस्काउंट परसेंट पढ़ेंगे ना, डिस्काउंट परसेंट क्या होता है, डी अपॉन अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य इंटू 100। डी पता चल गया कितना है, 0.5, डी 0.5 है ना, अंकित मूल्य कितना है 4.5 इंटू 100 यानी 5 × 45, 1/9 इंटू 100। अब देखो किसी को अगर नहीं पता है तो 1/9 तुमको होता है, देखो अगर 9 है तो यहाँ पे 11.11% होता है, ठीक है। अगर 2/9 होता तो मल्टीप्लाई कर दो 22.22%, ठीक है, 11 इसमें मल्टीप्लाई कर दिया करो, ठीक है। तो इस तरह से, तो अब ये बताओ यहाँ पे क्या हो गया तुम्हारा 11.11%। अब ये पूछ रहा है क्या, लाभ परसेंट पी परसेंट माइनस डी परसेंट, पी परसेंट कितना है तुम्हारा इतना 33.33 माइनस ये तुम्हारा 11.11 यानी तुम्हारा कितना मिल गया 22.22% आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेम क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 8 के ही जैसा, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, देखो 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य किसके इक्वल बराबर है, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, 9 × क्या SP, क्लियर है बात। अब जबकि देखो, तो चलो यहां से, ठीक है, जबकि जबकि 8 वस्तुओं का बट्टा, 8 वस्तुओं का बट्टा को मतलब डिस्काउंट 6 वस्तुओं के लाभ के बराबर, 6 × P, लाभ को मैं क्या मानता हूँ पी, ठीक है। तो ये बताओ CP/SP क्या हो जाएगा, CP/SP तितली के 9 × 3 = 12 यानी कितना हो गया 3/4, ठीक है। यहां से प्रॉफिट कितना मिला, प्रॉफिट 1 रुपए का मिला, क्योंकि 3 रुपए का खरीदा और 4 रुपए में बेचा, तो प्रॉफिट परसेंट निकाल दूंगा। प्रॉफिट परसेंट क्यों निकालूंगा, प्रॉफिट परसेंट और बट्टा परसेंट में अंतर क्या होगा, तो प्रॉफिट परसेंट 1/3 इंटू क्या 100, 1 सीपी क्या होता है 3 है तो 3 यानी कि 33.33%। अब इधर देखो इस पार्ट में क्या कर रहा है, अब यहां से मैं निकालू 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8 यानी क्या कर रहा है 4D = 3P यानी कि डी डिस्काउंट बाई लाभ इज इक्वल टू क्या 3/4। यहां तो कोई दिक्कत है, कोई नहीं दिक्कत है। अब देखो हमें क्या निकालना है, डिस्काउंट परसेंट निकालना है। अगर डिस्काउंट परसेंट निकालना है तो हमें चाहिए क्या, देखो डिस्काउंट परसेंट का मतलब होता है डी अपॉन अंकित मूल्य, अंकित मूल्य इंटू क्या 100, ठीक है। तो डी तो पता है लेकिन अंकित मूल्य नहीं पता है। तो अब देखो हमारे पास सीपी पता है, क्रय मूल्य पता है, विक्रय मूल्य भी पता है, विक्रय मूल्य कितना है, तो विक्रय मूल्य को एसपी लिखता हूं तो विक्रय मूल्य। अब अंकित मूल्य हम फाइंड आउट करते हैं, देखो कैसे करेंगे। क्रय मूल्य कितना है तुम्हारा, देखो यहां पे दिया हमने क्रय मूल्य 3 है, विक्रय मूल्य कितना है तुम्हारा 4 है, ये देखो क्रय मूल्य 3 है, विक्रय मूल्य 4 है। अभी ये बताओ, अब सिंपल सा चीज बताओ, देखो यहां पे कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 1 रुपए का ना हो रहा है। देखो यहां पे देखो देखो प्रॉफिट 4 रुपए है, यहां पे देखो 4 रुपए पे डिस्काउंट कितना है 3 का, देखो 4 रुपए प्रॉफिट पे डिस्काउंट कितना का 3 का, 1 रुपए प्रॉफिट पे कितना का डिस्काउंट होगा 3/4 × D, 3/4 × D, क्लियर है किसी को, अगर कोई प्रॉब्लम है अगर, या तो इस तरह से कर लो, इसका 3/4 डिस्काउंट है यानी कि 4 का 3/4 डिस्काउंट है यानी तुम्हारा, देखो अगर तुमको किसी को कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो देखो मैं इस तरह से बताता हूं, जैसे देखो ये तुम्हारा ये हो गया। अब देखो कह रहा है तुम्हारा कि ये बताओ 1 रुपए है लेकिन यहां पे प्रॉफिट, देखो यहां से सोचो कैसे थिंकिंग लगाओगे, देखो ये वाला चीज मैं इधर निकालता हूं, देखो D/P कितना है तुम्हारा 3/4, ठीक है।
अभी बताओ रियल में तुम्हारा 1 रुपया का प्रॉफिट है, लेकिन यहाँ पे कितने देगा? 4 रुपये का प्रॉफिट। हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 रुपये का इधर प्रॉफिट मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इधर भी करेंगे, ठीक है। 4 रुपये पे डिस्काउंट कितना है? 3 रुपये। यहाँ पे 3 रुपये का डिस्काउंट है, डिस्काउंट अगर ये 16 है तो ये कितना हो जाएगा? 19। 3 रुपया ज्यादा होगा अंकित मूल्य, यानी डिस्काउंट परसेंट तुम्हारा क्या हो जाएगा? देखो डिस्काउंट 3 रुपया कितने पे, अंकित मूल्य कितना है? 19 × 100, 3/19 × 100 तुम्हारा कितना हो जाएगा? ये तुम्हारा करोगे मल्टीप्लाई तो 15.79% आ जाएगा, 15.7। अब हमें क्वेश्चन क्या करा है, पी परसेंट माइनस डी परसेंट, लाभ का परसेंट और डिस्काउंट का परसेंट का अंतर निकालो। तो पी परसेंट कितना है तुम्हारा? ये है 33.33% माइनस ये तुम्हारा कितना है 15.79%। इसको घटाओगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा? तुम्हारा 17.5% ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगर यहाँ पे फिर से किसी को प्रॉब्लम, देखो सिंपल सा, हमारे पास क्रय मूल 3 रुपए है, विक्रय मूल 4 रुपए है, लेकिन यहाँ पे देखो कह रहा है कि 4 रुपए की प्रॉफिट हो रही है, लेकिन यहाँ पे तो 1 रुपए की, 4 रुपए के हो रहे, तो 4 से सभी जगह मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो, ये 12 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 16। अगर ये 16 हो गया तो अंकित मूल्य 3 रुपए डिस्काउंट है, यानी अंकित मूल्य कितना का होना चाहिए? 19 का, क्योंकि अंकित मूल्य हमें, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो ये चीज मैं बता देता हूँ। जैसे देखो डिस्काउंट जो होता है, ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ तुमको, अगर सेलिंग प्राइस, अगर डिस्काउंट जो होता है वो क्या होता है तुमको, मार्क प्राइस माइनस एसपी होता है, ठीक है। अगर तुम्हारा तो ठीक है, अगर सेलिंग प्राइस दी हुई है तो इधर लाभ, देखो डिस्काउंट क्या होता है तुम्हारा, देखो मैं तुमको बताता हूँ। जैसे देखो अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है, अगर देखो यहाँ पे समझो बात, डिस्काउंट कब होता है, डिस्काउंट का मतलब क्या है कि तुम्हारे पास मार्क प्राइस, मार्क प्राइस क्या है तुमको 100 रुपए, मतलब जैसे कोई शॉप पे जाते हो तुम, कहते हो कि भाई ये चीज 100 रुपए, तो देखते हो तुम उस पर लिखा होता है 100 रुपए, लेकिन कभी कभी वो क्या करता है, वो तुमको क्या कर लेता है, कभी कभी वो कहता है कि भाई हमारे पास क्या है कि 100 रुपए। देखो जैसे तुम शॉप पे गए, सिंपल सा वर्डिंग में, शॉप पे गए तुम, बोल तुमने कोई नमक का पैकेट मांगा, वो 20 रुपए लिखा होता, उसने बोला कि नहीं भाई हम क्या करते हैं इसको 20 रुपए के बदले 18 रुपए में देंगे, तो यानी कि 2 रुपए का डिस्काउंट मिल गया। सेम उसी तरह यानी कि तुम अगर यहाँ से एसपी पता है, विक्रय मूल्य पता है, अगर अंकित मूल्य निकालना है डिस्काउंट 3 रुपए का, तो जोड़ दो अंकित मूल्य निकल जाएगा, ठीक है। अगर सिंपल सा चीज यहाँ से देखो, सेम वही चीज है यार कि देखो यहाँ पे ये बताओ, अगर डिस्काउंट, डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, डिस्काउंट होता है मार्क प्राइस, मतलब अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है। अगर तुमको मार्क प्राइस निकालना है, अंकित मूल्य निकालना है, तो इधर इसको ला दो, तो जोड़ दो तुम डी प्लस एसपी, तो वही चीज है, एसपी गिवन थी, डी भी पता था, तो इसमें जोड़ दिया 19 आ गया। ऐसे क्वेश्चन को आप डरो मत, ठीक है, आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी ने 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि होती है। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस में आते हैं, ऐसे क्वेश्चन को समझना कैसे चाहिए। 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि होती है ना, तो देखो हम क्या बोलेंगे कि 1 वस्तु का विक्रय मूल्य, अगर यहाँ पे विक्रय मूल दिया है, यहाँ पे विक्रय मूल दिया है, तो विक्रय मूल मानेंगे। 1 वस्तु का विक्रय मूल कितना हो गया तुम्हारा? 1 रुपया हम मानेंगे, ठीक है, ये मानेंगे लेट, ठीक है। तो अब ये बताओ 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो? देखो हानि, 9 वस्तुओं का हानि, 9 हानि कितना हो जाएगा तुम्हारा, हानि यानी कि लॉस तुम्हारा कितना हो गया? 9 रुपया। 1 वस्तु की कीमत 1 रुपया है, तो 9 वस्तुओं की कीमत 9 रुपए, यानी हानि कितनी हो रही है 9 रुपए की। और बेचना कितना है? 72 वस्तुओं को बेचने पर, यानी कि तुम्हारा 72 वस्तुओं के बेचने पर विक्रय मूल्य कितना मिल गया तुम्हारा? 72 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना मिलेगा तुम्हारा, क्योंकि 1 वस्तु का 1 रुपया विक्रय मूल्य है, तो 72 वस्तु होगा तो 72 रुपए। अब ये बताओ तुमको क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा तुम्हारा, घटा देते हैं क्रय मूल्य, जोड़ेंगे क्योंकि हानि हो रही है ना, तो हानि 72 प्लस 9 यानी तुम्हारा क्या हो जाएगा? 81 रुपए। अब क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि यार हानि तभी होगी जब ज्यादा में खरीदेगा और बेचेगा कम में, ठीक है, यानी इसमें जोड़ देंगे। अब ये बताओ तुमको हानि परसेंट, हानि परसेंट आसानी से निकालोगे, हानि परसेंट क्या होता है? हानि, हानि कितना की है? 9 रुपए की हानि है, कितने पे? 81 रुपए पे × 100, यानी तुम्हारा क्या हो गया 1/9 × 100। मैंने अभी बताया था 1/9 कितना होता है तुम्हारा, 11.11% होता है, ठीक है। अगर 1/9 है तुम्हारा 11.11% होता है, ठीक है, या इसी को लिख सकते हो 11 × 1/9%, ठीक है, या इसी को सिंपल भाग कर लो 100/9 में 11 × 1/9%, यानी 99 प्लस 100/9%, इस तरह से तुम्हारा जाए, ठीक है।
72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 रुपए वस्तुओं के विक्रय मूल्य का लाभ होता है। देखो वस्तुओं के विक्रय मूल्य का लाभ होता है ना, तो यानी कि देखो हम मान लेंगे कि एक वस्तु ठीक है का विक्रय मूल्य, अगर विक्रय मूल्य दिया हुआ है तो विक्रय मूल्य मानेंगे कितना है, 1 रुपया है। ठीक है, तो ये बताओ 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य पर लाभ होता है, यानी कि लाभ तुम्हारा कितना हो गया, लाभ हो गया तुम्हारा 9 रुपए, 9 वस्तुओं का पूरे पे लाभ होता है तो 9 रुपए। अब ये देखो एक वस्तु की कीमत 1 रुपए है, तो 72 वस्तुओं की कीमत कितनी हो जाएगी, 72 रुपए, यानी कि विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य तुम्हारा कितना हो जाएगा, 72 रुपए। क्लियर है बात। अब देखो तो तुम्हारा ये बताओ क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य का मतलब क्या, सीपी कितना हो जाएगा, सीपी ये एसपी दिया हुआ है, ये प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है ये सीपी है, ठीक है ओ सॉरी ये एसपी है, ठीक है। तो ये बताओ क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, देखो मैंने किसी भी चीज को हमने क्या किया 9 रुपए लाभ पे बेचा, ठीक है, और विक्रय मूल्य कितना था तुम्हारा, 72 रुपया, यानी खरीदा कितने में होंगे, कम में खरीदोगे, यानी कि 72 माइनस 9, तभी तो लाभ होगा, कम में खरीद के ज्यादा में बेचोगे तो 72 माइनस 9 तुम्हारा कितना हो जाएगा, 63 रुपए। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लाभ परसेंट बताओ, तो लाभ कितना का हुआ, 9 रुपए का लाभ कितने पे, 63 पे, इंटू क्या 100, यानी तुम्हारा कितना हो जाएगा 1/7 × 100, 1/7 × 100 तुम्हारा कितना हो जाएगा 14/2/7%, डिवाइड कर लो 100/7 को कर लोगे ना तो 14/, ये तो या तो याद भी रख लो 1/7 कितना होता है, 14.5% होता है, 2/7%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्वेश्चन सेम ही है, बट थोड़ी सी क्या है इसमें चेंज, देखो 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य का लाभ होता है। देखो यहाँ पे अब क्रय मूल्य आ गया ना, तो हम मानेंगे कि एक वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी कितना है तुम्हारा, 1 रुपए है, यानी कि यहाँ पे क्या है तुम्हारा, क्रय मूल्य है 1 रुपए, ठीक है। तो ये बताओ 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य पे कितने का लाभ होता है, लाभ होता है ना, तो लाभ कितना हो गया, लाभ कितना हो गया तुम्हारा, 9 वस्तुएं हैं यानी कि 9 रुपया। अब ये बताओ सीपी क्या हो जाएगा तुम्हारा, क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य देखो 72 वस्तुएं हैं तो 72 एक वस्तुओं की कीमत क्या है, 1 रुपए, तो 72 वस्तुओं की कीमत कितनी हो जाएगी, 72 रुपए। अब ये बताओ एसपी क्या होगा, यानी कि विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा ये बताओ, लाभ कमा रहा है खरीदा 72 में, लाभ कमा रहा है 9 रुपए का, तो यानी कि 72 + 9, 72 + 9 तभी बेचेगा ज्यादा में, तभी तो लाभ मिलेगा। अब 72 + 9 तुम्हारा कितना हो जाएगा, 72 + 9 9 2 11 7 1 8, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, लाभ परसेंट ज्ञात करना है, इसको निकालो ना निकालो कोई फर्क नहीं पड़ता। लाभ परसेंट कितना हो गया, देखो 9 रुपए का लाभ हुआ कितने पे, 72 रुपए पे, क्योंकि यहाँ पे सीपी होता है, इंटू 100, एंड तुम्हारा कितना हो गया 1/8 × 100। अभी मैंने तुमको 1000 बार बोला था 1/8 कितना होता है तुम्हारा, 1/8 तुमको अगर किसी को पता है तो 12.5% होता है, क्यों, क्योंकि 1/4 25% होता है, तो इसका भी हाफ कर लो तो 12.5%, 12.5% लिखना है तो लिख दो, या तो तुम ऐसे भी लिख सकते 12 1/4, ठीक है 2%, 12.5%, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है मेंस में, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे देखो इस क्वेश्चन में क्या करा है कि 10 मोमबत्ती को बेचने पर एक आदमी को 3 पेन के विक्रय मूल्य का फायदा होता है। क्लियर है बात, ठीक है। हमारे पास क्या है, मोमबत्ती, और तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारा पेन, ठीक है, ये क्लियर है। देखो करीब 10 मोमबत्ती को बेचने पर एक आदमी को 3 पेन के विक्रय मूल्य का फायदा होता है, जबकि 10 पेन को बेचने पर 4 मोमबत्ती के विक्रय मूल्य का नुकसान होता है। एक जगह फायदा होता है मोमबत्ती को बेचने पर पेन का, और दूसरी बार पेन को बेचने पर मोमबत्ती का नुकसान होता है। हानि परसेंट और लाभ परसेंट की कीमत बराबर है, यानी कि लॉस परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट की कीमत क्या है, बराबर है, ठीक है। और मोमबत्ती का क्रय मूल्य, मोमबत्ती का क्रय मूल्य पैन के क्रय मूल्य से आधा है, यानी कि देखो सीपी, सीपी दिया हुआ है ना, मोमबत्ती का क्रय मूल्य पैन के क्रय मूल्य से आधा है, तो हम इसको अगर एक्स मानेंगे तो इसको एक्स, देखो हम इसको डायरेक्ट हम क्या मानते हैं 2x, इससे आधा है मोमबत्ती की कीमत, यानी सीपी क्रय मूल्य यानी कि एक्स। तुम ऐसे भी कर सकते हो, इसको एक्स मान के इसको x/2 भी मान सकते हो, लेकिन हम क्या फ्रैक्शन को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको 2x करेंगे तो इसका हाफ कितना हो जाएगा x, ठीक है। ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है। अब ये बताओ, अब क्या है तुमको, यहां तक तो क्वेश्चन करा है, तो मोमबत्ती और पैन का विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कर, तो हम क्या मान लेते हैं, ये क्रय मूल्य है, हम कर लेते हैं कि विक्रय मूल्य क्या है, तुम इनका
ए मोमबत्ती का ए है और पेन का क्या है, बी है, तो हमें यही फाइंड आउट करना है कि ए बाई बी क्या होगा, इसका विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। ठीक है, अब ये देखो क्वेश्चन समझो। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारे पास, देखो क्वेश्चन ये बताओ, 10 मोमबत्ती को बेचने पर 3 पेन के विक्रय मूल्य का फायदा होता है। ठीक है, 10 मोमबत्ती है ना, हम मान लेते हैं कि एक मोमबत्ती को बेचने में 1 रुपए का फायदा होता है, 10 मोमबत्ती को बेचने, देखो एक्स मोमबत्ती है ना यहाँ पे एक्स, ठीक है एक्स मोमबत्ती है तो 10x हो जाएगा, 10x क्या हो जाएगा उसका क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी को पता नहीं है तो देखो फिर से मैं एक बार समझाता हूँ, 10 मोमबत्ती को बेचने पर एक आदमी को 3 पेन के विक्रय मूल्य का फायदा होता है। देखो सिंपल सा चीज है, कितने हैं 10 मोमबत्ती हैं, ठीक है क्रय मूल्य एक मोमबत्ती को एक्स, एक मोमबत्ती एक्स है, ठीक है तो 10x उसका क्या हो जाएगा क्रय मूल्य हो जाएगा, क्योंकि अगर हम मानते हैं कि एक मोमबत्ती की कीमत की एक रुपए है तो 10 मोमबत्ती की 10, लेकिन यहाँ पे क्रय मूल्य कितना है, एक मोमबत्ती की क्रय मूल्य एक्स है तो 10 मोमबत्ती की क्रय मूल्य कितनी हो जाएगी 10x। क्लियर है बात, यहाँ पे समझ लो। ठीक है, अब सिंपल सा चीज ये बताओ, क्रय मूल्य तुम्हारा 10x है, लाभ लाभ बताओ, लाभ क्या, लाभ कितना होगा, 3 पेन, देखो 3 पेन के विक्रय मूल्य पे फायदा होता है, 3 पेन, पेन कितने हैं तुम्हारा देखो, ठीक है 3 पेन, 3 पेन है और कितने विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य पेन का, पेन का विक्रय मूल्य बी है, यानी कि 3b हो गया, इतना का फायदा होता है, ये तुम्हारा फायदा होता है। क्लियर है बात, 3 पेन, देखो क्वेश्चन करा कि 3 पेन का फायदा होता है, पेन तुम्हारा 3 है और फायदा कितना विक्रय मूल्य का, यानी विक्रय मूल्य पेन का कितना है बी है, यानी कि 3b हो गया। ठीक है, अब ये बताओ लाभ परसेंट निकल जाएगा, प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा कितना, 3b डिवाइडेड बाई क्रय मूल्य 10x इंटू क्या हो जाएगा 100। ठीक है, यहां तक तो हमारा काम हो गया, नेक्स्ट आगे कॉन्सेप्ट बढ़ाते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, फिर क्या कर रहा है आगे देखो, 10 पेन को बेचने पर, 10 पेन को बेचने पर, ठीक है अब ये बताओ क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य पेन, पेन कितने हैं 2x है ना, अगर 10 पेन को बेचना है ना, 10 पेन को बेचना है, एक पेन की कीमत मान लेते हैं 2x रुपए है, तो 10 पेन की कीमत 10 × 2x है, क्योंकि पेन तो 2x है, तो 20x हो जाएगा, 10 × 2x यानी कि तुम्हारा क्या हो जाएगा 20x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्यों 10x लगे थे, क्योंकि x था, ठीक है यहाँ पे पेन को बेच रहे हैं तो पेन की 2x है, इसीलिए हमने 20x ले लिया। ठीक है, अब ये बताओ 4 मोमबत्ती के विक्रय मूल्य के, मोमबत्ती 4, देखो विक्रय मूल्य का नुकसान होता है, नुकसान यानी कि हानि, हानि कितना हो गया 4 मोमबत्ती का 4 और विक्रय मोमबत्ती की विक्रय मूल्य कितनी है ए, यानी कि 4a, तो हानि परसेंट कितना हो जाएगा, हानि परसेंट कितना हो जाएगा तुम्हारा 4a डिवाइडेड बाय 20x इनटू 100। कंडीशन यहां पे दिया हुआ था कि लाभ परसेंट और हानि परसेंट इक्वल है, यानी ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड दोनों क्या है इक्वल है, 1 = 2, क्योंकि क्वेश्चन ये कर रहा है कि लाभ परसेंट और लॉस पर, ये देखो एल फोर हानि, हानि परसेंट और लाभ परसेंट दोनों क्या है इक्वल है, तो 3b डिवाइडेड बाई 10x इंटू 100 इज इक्वल टू 4a इंटू 100 डिवाइडेड बाई क्या 20x, 100 से 100 कैंसिल, x से x, 10 × 2 = 20। ठीक है, तो ये देखो तुम्हारा कितना हो जाएगा 6b इज इक्वल टू 4a, ठीक है 2 से कटा लो, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, तो 3b इज इक्वल टू a, तो a बाई बी इज इक्वल टू क्या, रुक जाओ यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, a बाई बी क्या हो जाएगा, रुक जाओ, 3b इज इक्वल टू 2a हो गया, यहाँ पे 2 है ना 2a, तो a बाई बी इज इक्वल टू 2/3, ओ क्या हो जाएगा b तुम्हारा 3 है ना, तो 3/2। ठीक है, देखो 3b इज इक्वल टू 2a, तो a बाई बी क्या हो जाएगा 3/2, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कर रहा है देखो, क्वेश्चन ऐसे कर रहा है कि जब एक वस्तु को 800 रुपए में बेचा जाता है, मान लेते हैं हमारे पास 800 रुपए में बेचा जाता है, ये क्या है एसपी है, बेचा जाता है, तो उससे मिलने वाला लाभ, तो इससे जो लाभ मिलेगा, ठीक है लाभ किस पे मिलता है, क्रय मूल्य पे मिलता है ना, क्रय मूल्य पे मिलता है लाभ, ठीक है उससे मिलने वाला लाभ 275 रुपए में, उससे मिलने वाला लाभ, ठीक है जब वस्तु को 275 रुपए में बेचा जाए, मान लेते हैं कि ये SP1 है, दूसरा क्या है SP2 है, अब क्या उस वस्तु को 275 रुपए में बेचा जाए, ठीक है तो उससे होने वाला हानि का 20 गुना है, यानी कि ये जो यहाँ पे लाभ हो रहा है और यहाँ पे जो हानि हो रहा है, अगर हानि को हम x मानते हैं तो लाभ कितने का हो रहा है तुम्हारा
20 गुना, इसका 20 गुना यानी कि 20 एक्स का, ठीक है। यहां तक तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। अब ये बताओ सीपी क्या होता है, सीपी अगर लाभ के केस में क्या होता है, सीपी लाभ के केस में तुम्हारा क्या होता है, सीपी देखो लाभ के केस में तुम्हारा कम में खरीदना होता है, यानी कि तुम्हारा होता है एसपी माइनस प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट। अगर लॉस के केस में देखा जाए तो एसपी प्लस लॉस, ठीक है। तो अब ये बताओ हम सीपी को इक्वल कर दें, सीपी को इक्वल कर देते हैं तो इधर सीपी क्या हो जाएगा तुम्हारा 800 माइनस क्या हो जाएगा 20x। क्यों मैं किया हूं, क्योंकि तुमको लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल, मूल माइनस क्रय मूल, ठीक है। तो क्रय मूल क्या हो जाएगा, क्रय मूल हो जाएगा तुम्हारा, क्रय मूल हो जाएगा तुम्हारा विक्रय मूल माइनस लाभ, विक्रय मूल माइनस लाभ। तो विक्रय मूल्य इतना है और लाभ इतना है, इधर उसके अपोजिट हो जाएगा 275 प्लस एक्स, क्योंकि हानि हो रहा है, ठीक है, ये इस पे, इस वाले पे लगा लेना। तो अब ये बताओ इसको सोल्व करते हैं, सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, देखो इसको इधर लाते हैं 21x इज इक्वल टू, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 21x इज इक्वल टू 800 माइनस 275, 21x इज इक्वल टू तुम्हारा कितना हो जाएगा 5, ठीक है, 525। तो x तुम्हारा कितना हो जाएगा 525/21, 525/21 तुम्हारा क्या हो गया, 525/21 तुम्हारा ये हो जाएगा, देखो 21 दूनी 42, ठीक है, 21 दूनी 42, 21 5 x मिल गया, x कितना मिल गया 25। अब 25x क्या हो गया, x तुम्हारा इधर हानि है, देखो सिंपल सा चीज 25% मिल गया ना 25, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन ये कर रहा है कि ज्ञात करो कि 20% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचा जाए, ठीक है, कि ज्ञात करो कि वस्तु को लाभ 20% का लाभ कमाने पे, लाभ कितना है तुम्हारा 20%। अब तो हमें लाभ परसेंट पता है ना, तो हम क्या करते हैं इसकी किसी तरह क्रय मूल्य ज्ञात कर लेते हैं। अगर देखो क्रय मूल्य कैसे पता चलेगा, अगर एक्स 25 है ना, तो देखो इसमें जोड़ देंगे तो क्रय मूल्य मिल जाएगा इधर वाले में, क्योंकि क्रय मूल्य यहाँ पे देख लो बेचा गया 275 में, जोड़ देंगे x x 25 यानी कि 275 प्लस 25 यानी कितना 300, CP कितना मिल गया 300। इधर भी कर सकते थे लेकिन 20x करके करना पड़ेगा। तो अब देखो तुमको पता है ना कि लाभ परसेंट क्या होता है, लाभ, ठीक है। अब क्वेश्चन कर रहा है कि वस्तु को किस कीमत पर बेचा जाए, देखो बेचने की बात की जा रही है, देखो अब बेचने की बात की जा रही है तो तुमको कितना कह रहा है, देखो ये वाला चीज है ना, एसपी क्या होता है, एसपी होता है तुम्हारा सीपी इनटू 100 प्लस लाभ प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100, या डायरेक्ट तुम कर सकते थे कि सीपी कितना है 300 इनटू 120 100 प्लस 20 बाय 100, यानी 2 से 2 0 यानी कि 360 रुपए पे उसको बेचा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसी तरह का क्वेश्चन है बट लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक वस्तु को इतना रुपए पे बेचने पर, मतलब एसपी कितना है तुम्हारा 717 रुपए है, ठीक है, एसपी वन मतलब विक्रय मूल्य है, लाभ बेचने मिलने वाला लाभ उस वस्तु को, मान लेते हम सीपी क्रय मूल्य, यहाँ पे विक्रय मूल्य और यहाँ पे क्या है क्रय मूल्य, क्योंकि क्रय मूल्य पे ही लाभ मिलेगा ना, 527 रुपए में बेचकर मिलने वाले हानि से उसी वस्तु को 527 रुपए में बेचकर, 527 रुपए मतलब एसपी टू विक्रय मूल्य बेचकर इतना परसेंट ज्यादा है, मतलब क्वेश्चन आगे देखो को फिर से पढ़ रहा हूँ, एक व्यक्ति को 717 रुपए में बेचने पर मिलने वाला लाभ उस वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर मिलने वाला हानि से इतना है, देखो हानि इतना इतना ज्यादा है, यानी कि देखो ये तुम्हारा कितना किसके इक्वल होता है, मैंने तुमको अभी बताया था, अगर नहीं पता है तो देखो ये तुम्हारा होता है 1/9 के इक्वल, 1/9 होता है तुम्हारा साढ़े इतना परसेंट होता है, ठीक है। तो अब देखो 1/9 ये तो तुम्हारा ये हो गया, अब ये बताओ तुम अपने से सोचो, अगर तुम्हारा देखो अगर हानि का हानि से ज्यादा है ना, अगर ज्यादा है, अगर ये हानि होगा, ठीक है, तो इसमें से ज्यादा यानी कि प्लस वन एक कर दो यानी कि 10 होगा लाभ वाला, ये यानी कि ये वाला जो होगा 10 होगा और ये वाला कितना हो जाएगा तुम्हारा 9 होगा, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत है इसमें,
मेरे अकॉर्डिंग कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जैसे देखो सिंपल सा, ये 1/9 से ज्यादा है ना, 1/9 से ज्यादा है कितना, यानी कि अगर ये 9 है तो वो 10 होना चाहिए, एक ज्यादा है यानी कि 10, ठीक है। तो ये बताओ, अब मैंने अभी तुमको बताया था, अब देखो इस तरह से कर सकते हैं दोनों। अब क्या कर सकते हैं हम, डायरेक्ट अगर शॉर्ट अप्रोच बताए तो दोनों का डिफरेंस ले लो। दोनों का डिफरेंस कितना, 717 - 527, 717 - 527 कितना हो गया, 190। और 190 को कितने भागों में बांटना है, 10:9, 10:9, ये तुम्हारा लाभ है और इधर वाला तुम्हारा ये लाभ है प्रॉफिट है, और ये कितना है तुम्हारा लॉस है, ठीक है, ये लॉस यानी कि हानि है, ठीक है। अब ये बताओ 19 पार्ट किसके इक्वल है, 190, तो 1 पार्ट किसके इक्वल होगा, 10, 19 से 19 कैंसिल हो गया 10, तो उसी तरह ये 9 पार्ट है, तो 9 पार्ट 9 × 10 यानी कि 90, और 9 × 10 90, और ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 10 यानी कि तुम्हारा 100, ये 100 लाभ 100 है और हानि कितना है तुम्हारा 90, ठीक है। अब क्वेश्चन कर रहा है क्रैमुल, अब हमें क्वेश्चन कर रहा है 10% लाभ पर, लाभ कितना है तुम्हारा 10% का लाभ है क्वेश्चन में दिया हुआ है, इस पे उस वस्तु की कीमत, इतने कमाने पर वस्तु को किस कीमत पर बेचना पड़ेगा, यानी एसपी फाइंड आउट करो, एसपी। तो अब हमें किसी तरह सीपी मिल जाए, सीपी देखो सीपी मिल जाएगा यहाँ पे, सीपी कैसे मिलेगा देखो हमारे पास, देखो यहाँ पे देखो हमारे पास सात, यहाँ इस वाले में रख लेते हैं, देखो हमारे पास देखो 717 रुपए मिल रहा है बेचने पे, 10 रुपए का लाभ है, यानी खरीदा कितना में होगा, ठीक है। देखो 100 रुपए का लाभ है ना यहाँ पे, देखो लाभ कितने का है 100 रुपए का, तो खरीदा कितने में होगा, यानी कि 617 में खरीदा, मतलब क्रैमुल होगा उस पर प्राइस होगा, ठीक है, सीपी होगा। तो सीपी कितना मिल गया तुम्हारा, सीपी मिल गया तुम्हारा 617, तो एसपी निकल जाएगा, एसपी क्या होता है 617 × 110, लाभ पे 10% फार्मूला में यूज कर लो, डिवाइडेड बाई क्या 100, ये से कैंसिल हो गया, यानी तुम्हारा ये हो जाएगा, अगर इसको सोल्व करोगे तो 6.78% का बेचना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है कि एक आदमी किसी वस्तु को 9% हानि पर बेचता है, ठीक है, कोई आदमी है वो किसी वस्तु को 9% हानि पर बेचता है, अगर वो उसको 750 रुपए ज्यादा में बेचता तो उसे 7% का फायदा होता, ठीक है। अब देखो सिंपल सा चीज है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है तुम्हारा कि कोई वस्तु है, एक आदमी किसी वस्तु को 9% हानि पर बेचता है, ठीक है, अगर वो उसको 750 रुपए ज्यादा में बेचता तो उसे 7% का फायदा होता। सिंपल सा चीज है, हम मान लेते हैं, और तो प्रारंभ में उसका क्रैमुल क्या होगा, हम कहते हैं कि क्रैमुल क्या है, हमारे पास 100 रुपया है, अगर वो 9% के हानि पर बेचता है, अगर 9% की हानि पर बेच रहा है यानी कि उसको कितना में बेच रहा है, यानी कि तुमको 91 रुपए में बेच रहा है, तभी तो हानि होगी 9 रुपए की, क्लियर है बात। अब कर रहा है कि अगर वो उसको 750 रुपए ज्यादा बेचता तो उसे 7% का फायदा होता, यानी 7% का फायदा होता, और यहाँ पे 9% का लाभ हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है। तो ये बताओ यहाँ पे 7% का फायदा होता, यानी कि 107 रुपए में बेचता उसको, ठीक है। अब ये बताओ अगर उसको बेचता तो कितना रुपया, 750 रुपए ज्यादा मिलता, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 91 और 16 का डिफरेंस होगा, 16 पार्ट के लिए कितना रुपया दिया हुआ है क्वेश्चन में, गिवेन है 750 रुपए, ठीक है। तो 1 यूनिट के लिए, 1 पार्ट के लिए कितना होगा, 750 / क्या हो जाएगा तुम्हारा 16 रुपए। क्रैमुल कितना है, तो कितने पार्ट हमारे पास चाहिए, 100 पार्ट के लिए कितना चाहिए, 750 × 100/16, यानी इतना रुपया तुम्हारा, यानी 4687.50 रुपया उसका क्रैमुल हुआ होगा प्रारंभ में, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन करा कि हमने लेट मान लिया कि लेट क्रैमुल है 100 रुपए का, करा उस पे 9% की हानि पे बेच रहा है, यानी कि कितने पे बेचेगा, 91 रुपए में बेचेगा, तभी तो 9 रुपए की हानि होगी, ठीक है बिक्रैमुल। अब करा कि अगर उसको 750 रुपए में ज्यादा बेचता तो उसे 7% का फायदा होगा, 7% का फायदा यानी कि 7 रुपए में बेचेगा, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 16 पार्ट कितने में बेच रहा है, 750 रुपए, यही तो उसको ज्यादा में बेचता तो, ठीक है। तो 1 पार्ट कितना हो गया, 750 / 16, तो इसी तरह तुम्हारा कितना है 100 पार्ट है, क्योंकि हमें क्रैमुल कितना है तुम्हारा 100 पार्ट है, तो 100 पार्ट के लिए 100 × 750/16, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि एक आदमी किसी वस्तु को 7% लाभ पर बेचता है,
अगर वो उसको 400 इतना रुपया ज्यादा में बेचता तो उसे 13% का लाभ होता। सेम क्वेश्चन है पैरिंग में, ये बताओ मैं मान लेता हूँ लेट सीपी क्या है, क्रेमुल क्या है, 100 रुपए, ठीक है। अब क्या करे, 7 रुपए के लाभ पर बेचता, यानी एसपी तुम्हारा विक्रयमूल कितना हो जाएगा तुम्हारा, 7% ज्यादा बेच रहा है, 107 रुपए का बेचेगा तभी तो 7% का लाभ होता। अगर वो इतना ज्यादा में बेचता तो उसे इतना रुपए का लाभ होता, यानी कि पहले 100 रुपए में 13% का लाभ, यानी कि 113 रुपए में बेचेगा। अब इन दोनों का गैप कितना हो गया, 6 यूनिट, ठीक है। 6 यूनिट कितना, 6 यूनिट का दाम कितना दिया हुआ है, 6 यूनिट का दाम इतना दिया हुआ, मतलब इतना ज्यादा में बेचता, यानी 4248, ठीक है। तो वन पार्ट इज इक्वल टू कितना, 4248 अपॉन क्या, 6। इसी तरह हमें चाहिए क्या, क्रेमुल चाहिए ना, क्रेमुल 100 पार्ट है, 100 पार्ट 100 × 4248 अपॉन 6, 6 × 7 = 42, 0 × 6 = 48, यानी कि तुम्हारा क्या हो जाएगा, 70800 रुपए उसका क्या हो जाएगा, क्रैमुल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, अगर उसे अगर उसने 10% कम में खरीदा होता तो 18 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। देखो सिंपल कर रहा है, लाभ होता तो प्रारंभिक क्रयमूल बताओ। एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, मान लेते हैं सपोज कि हमारा क्रयमूल क्या है, जैसे क्रयमूल माना, क्रयमूल क्या है तुम्हारा, 100 रुपए है लेट, सपोज हमने मान लिया, ठीक है। क्रयमूल कितना है, 100 रुपया, मतलब सीपी कितनी है तुम्हारी, 100 रुपये। 20% लाभ पर बेच रहा है, 20% लाभ पर बेचेगा तो कितनी हो जाएगी, 120 रुपए, ये क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस हो जाएगी, मतलब सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। अगर वो उसे 10% कम में खरीदता, 10% कम में खरीदता, अगर 10% कम में खरीदेगा तो 90 रुपए में खरीदेगा, तभी तो 10% कम खरीदेगा, यानी कि नया क्रय मूल्य हो जाएगा, नया सीपी हो जाएगा 90 रुपए। और क्वेश्चन करा कि और 18 रुपए कम में बेचा होता, मतलब बेचा होता तो 30% का लाभ होता, यानी कि इसका 30% का लाभ हो जाएगा। 30 देखो 90 का 30% कितना होगा, 3/100, यानी कि ये देखो 2 0 से 2 0 नतीली 27, यानी कि 27 रुपया ज्यादा, यानी 27 रुपया ज्यादा कितना तुम्हारा, 117 रुपए में बेचा होता तो उसको कितना, 18 रुपए कम मिलता, यानी यहाँ पे कम कितना मिल रहा है तुम्हारा, देखो 120 में से या 3 रुपया कम मिल रहा है तो उसकी कीमत कितनी है, 18 रुपए के इक्वल 3 रुपए, 3 यूनिट, 3 पार्ट, मतलब इधर माइनस में लिख लो या प्लस में लिख लो, कोई नहीं, 1 पार्ट की कीमत कितनी हो जाएगी, 18/3। लेकिन हमें चाहिए क्या, प्रारंभिक क्रय मूल्य पहले था कितना, 100 पार्ट, तो 100 पार्ट के लिए कितना हो जाएगा, 100 × 18/3, यानी 3 × 6 = 18, यानी कि तुम्हारा क्या हो जाएगा, 600 रुपया आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे देखो अगर डायरेक्ट भी कर सकते थे, 90 का कितना करना है, 30% लाभ पे, तो एसपी तुम्हारा फाइंड आउट कर सकते, 90 × 180 × 30/100, यहां से भी डायरेक्ट तुम कर सकते थे, 13 × 9 = 117, यहां भी जा सकते थे डायरेक्ट, ठीक है। अगर नहीं तो इस तरह से 90 का 30% निकालो, इतना इतना ज्यादा होगा विक्रय मूल्य, 117, किसी तरह भी कर सकते हो आप आसानी से क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि एक आदमी किसी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है, ठीक है, अगर उसे 20% कम में खरीदा होता तो 20 रुपए ज्यादा में बेचा खरीदा होता और 20 रुपए ज्यादा में बेचा होता तो 40% का लाभ होता। तो प्रारंभिक क्रय मूल्य, लेट सपोज कि सीपी जो है प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपया है, ठीक है। अब क्या कर रहा है, 10 रुपए अगर किसी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है, ठीक है, 10% का लाभ पर बेचता है, यानी कि एसपी तुम्हारा कितना, 110 रुपए में बेचता है, क्लियर है बात, तभी तो 10% का लाभ होगा। अब क्वेश्चन करा कि यदि उसे 20% कम में खरीदा होता, 20% कम में खरीदा मतलब 80 रुपए में खरीदा होता नया सीपी, ठीक है, और 20 रुपए ज्यादा में बेचा होता, 20 रुपए ज्यादा में बेचा होता तो 40% का लाभ होता, इसका 40%, 80 का 40% कितना होगा, कर लो 40%, यानी 32 रुपए, 32 रुपए यानी कि तुम्हारा कितना हो जाएगा, 80 में 32 जोड़ोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, 112 रुपए में बेचा होता। ये बताओ कितना यूनिट हो गया तुम्हारा, ये दोनों के बीच का 2 यूनिट, 2 यूनिट के लिए कितना ज्यादा, 20 रुपया लग रहा है ना 2 यूनिट के लिए, ठीक है, तो 1 यूनिट के लिए कितना लगा, 20/2 यानी 10 रुपए। उसी तरह हमारे पास कितना यूनिट है, 100 यूनिट प्रारंभिक में, तो 100 यानी कि 100 × क्या तुम्हारा 10, यानी तुम्हारा कितना हो जाएगा, 1000 रुपए उसका जो होता है क्रय मूल्य होता प्रारंभिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20 भी लास्ट इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है कि एक आदमी किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है, ठीक है, कह रहा है कि 25% लाभ पर बेचता है, अगर उसने इतने
अगर उसने इसे 900 रुपए में कम में खरीदा होता तो 900 और 900 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 5% अतिरिक्त का लाभ होता। जैसे सिंपल सर देखो 25% का लाभ हो रहा है ना, 25% कितना होता है 1/4, ये तो लाभ है। नीचे वाला देखो, नीचे वाला तुम्हारा देखो, नीचे वाला होता है तुम्हारा सीपी मतलब क्रय मूल्य, अगर इतना क्रय मूल्य है और ये लाभ है तुम्हारा, ठीक है। तो अब ये बताओ एसपी कितना हो जाएगा, एसपी कितना हो जाएगा, 4 रुपया खरीदा 1 रुपया का लाभ कमा रहे, यानी 5 रुपए, ठीक है। यानी कि तुम्हारा सीपी में मान लूंगा कितना हो गया 4x और एसपी कितना हो जाएगा तुम्हारा 5x, ठीक है। अब क्वेश्चन ये तो क्लियर है, यहां तक क्लियर है क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगर उसने 900 रुपए कम में खरीदा होता, पहले 4x अब 900 रुपए कम, ठीक है, और उसे क्या कर रहा है 900 रुपए कम में बेचा होता, ये खरीदा वाला हो गया और बेचा कितने में 900 रुपए कम में बेचा, 5x सेलिंग प्राइस मतलब बेच रहा है विक्रय मूल्य, 900 रुपए कम में बेचा, तो अब क्या करे 5% अतिरिक्त लाभ कमाता, 5% अतिरिक्त ज्यादा, पहले कितना और ज्यादा, ठीक है, मतलब पहले 25 कमा रहा था 5% ज्यादा, यानी टोटल कितना कमा रहा है 30% का मतलब क्या 3/10, ये अगर ये सीपी है तो ये तुम्हारा प्रॉफिट है, तो एसपी क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस हो जाएगा 13 रुपए, तभी तो 10 रुपए का सामान 3 रुपए का लाभ कमा 13 रुपए में बेचेगा। ऊपर क्या है सीपी है, ऊपर सीपी यानी कि 10 है और नीचे क्या है एसपी है, ये सीपी है मतलब क्रय मूल्य है और ये क्या है नीचे वाला विक्रय मूल्य है, तो यानी विक्रय मूल्य 13। अब सिंपल क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन सोल्व करेंगे 13 × 52 = 50x × −900 × 10। अब इधर इसको ला दूंगा तो कितना हो जाएगा 2x = 2700, ठीक है, 2x = 39 में से 9000 घट जाएगा, ठीक है, 13 × 117 हो गया ना, 117 में 2700 हो जाएगा, 2x = 2700, तो x = कितना हो जाएगा, x = हो जाएगा तुम्हारा 1350। तो हमें क्या पूछ रहा है क्रय मूल्य कितना है 4x है, तो 4 × 1350 यानी कि तुम्हारा क्या हो जाएगा 4 × 1350 तुम्हारा ये हो जाएगा 5400, तुम्हारा क्या हो जाएगा 5×20 5×4 12, ठीक है 5400 रुपया, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर।